एक अच्छा हेयर स्टाइल आपको डेफिनेटली 5 से 8 लेके जा सकता है, बट उसके लिए परफेक्ट हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट भी बहुत ज़रूरी होता है. एंड द मोस्ट कन्वीनियंट हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट इज अ हेयर वैक्स. हाई, माय नेम इज़ वैभव केसवानी, योर अमेजन स्टाइल कोच. और आज की वीडियो में मैं 5 हेयर वैक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने बहुत रिसेंटली खुद यूज़ किए हैं. इसमें से कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं होने वाला. उनके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, किस हेयर टाइप के लिए सूटेबल है, होल्ड कैसा है, एमल्सिफिकेशन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इट ऑल. साथ ही साथ अगर उसकी मैं रेंज की बात करूँ तो स्टार्ट होगा वो करीब 150-160 से, जो काफ़ी इकोनॉमिकल है. एंड देन आई विल टेक इट टू प्रोफेशनल लेवल स्टाइलिंग, और वो थोड़ा महंगा है, 1800 की रेंज में है, बट यू विल नो इफ इट इज़ वर्थ इट और नॉट. सो एक्चुअली मूविंग ऑन टू दोज 5 हेयर स्टाइलिंग वैक्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एप्लीकेशन. क्योंकि अगर एप्लीकेशन ही गलत होगी तो नो मैटर आपका 150 रुपये का है हेयर वैक्स या फिर 1800 रुपये का है, इट विल बी ऑफ नो यूज लिटरली. टू स्टार्ट विद द एप्लीकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू वॉश योर हेयर थॉरली. एक अच्छे शैम्पू से 1 से 2 मिनट अच्छा वॉश करना. दैट इज़ बिकॉज अगर आपके बालों में रेजिडुअल प्रोडक्ट है, पोल्यूशन, ऑयल एक्सेट्रा, डर्ट कुछ भी है, तो उसकी वजह से आपके बाल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं. एंड नो मैटर आप कौन सा वैक्स यूज़ करें उसके बाद, वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा. सेकेंड इज़ टू यूज़ अ प्री स्टाइलर. प्री स्टाइलर के 2 बहुत बढ़िया फायदे होते हैं. फर्स्टली, वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है, विच इज़ ग्रेट इन द लॉन्ग रन. सेकेंडली, आपका जो वैक्स है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा. थर्डली, टू ब्लो ड्राई योर हेयर. ज़्यादा हीट पे ब्लो ड्राई मत करना, मीडियम हीट तक रख लेना, बट मेक श्योर यू ब्लो ड्राई इन द डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में आपको अपने बालों का फॉल चाहिए या फिर आपका हेयर स्टाइल होना चाहिए. नाउ वंस यू हैव ब्लो ड्राइड योर हेयर, और जब वो सेमी ड्राई हैं, ना ही पूरे गीले हैं, ना ही बिल्कुल एकदम सूखे या ड्राई हैं, दैट इज एग्जैक्टली द बेस्ट टाइम टू अप्लाई अ हेयर वैक्स. क्योंकि उस टाइम पे हेयर वैक्स सबसे अच्छे से स्प्रेड होता है. जब भी आप वैक्स अप्लाई करें फाइनली अपने बालों पे, तो बेस्ट तरीका है कि आप पहले साइड से अप्लाई करें एंड देन यू गो टू द बैक एंड फाइनली ऑन द टॉप ऑफ योर हेयर. दैट इज़ द बेस्ट वे टू पुट योर हेयर वैक्स ऑन योर हेयर फॉर द स्टाइलिंग पार्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाहे आप कितने भी थके हुए हों, व्हेन द डे एंड्स, मेक श्योर यू रिंस योर हेयर वैक्स और यू वॉश योर हेयर वैक्स. दिस इज़ वन प्रैक्टिस दैट आई फॉलो टिल डेट, बिकॉज अगर लॉन्गर रन में अच्छे बाल चाहिए, अगर हेल्दी बाल चाहिए, तो आपको वो हेयर वैक्स या कोई भी एक हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट केमिकल आपको वॉश करना ही चाहिए सोने से पहले. नाउ दैट वी आर डन विद द एप्लीकेशन प्रोसीजर, लेट्स मूव ऑन टू द 5 हेयर स्टाइलिंग वैक्स दैट आई हैव बीन रिसेंटली यूजिंग. एंड द फर्स्ट वन इज दैट जो सबसे बढ़िया होल्ड देता है मेरे बालों को, बिकॉज आई नीड इट व्हाइल आई एम शूटिंग एक्सेट्रा. और मेरे को एक्चुअली आजकल इसलिए ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि उसकी थोड़ी वेट लुक भी आती है. द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज बियर्डोज क्रिस्टल हेयर वैक्स विद एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होल्ड. अगर इसकी टेक्सचर की बात करूँ तो इट्स अ जेल लाइक टेक्सचर, बहुत ही ज़्यादा ईजिली स्प्रेड हो जाता है. एज आई मैंशनड अर्लियर, इसकी जो फिनिश है वो थोड़ी शाइनी है, विच एक्चुअली मेक्स योर हेयर लुक वेरी स्लीक एंड क्लासी. However, I will not really recommend कि अगर आपके पतले बाल हैं तो ये आपको हेयर वैक्स नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अगर पतले बाल होते हैं ना और अगर आप उसमें वेट फिनिश दो तो वो ज़्यादा हल्के लगते हैं. बिकॉज दिस हेयर वैक्स हैज़ एन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होल्ड, यू कैन नॉट कीप ऑन टचिंग योर हेयर. सेकेंडली, ये आपके बालों को ना लॉक कर देता है. कई बार होता है ना, बिल्कुल बाल थोड़े से टाइट हो जाते हैं, दिस इज़ वॉट इट इज़ गोइंग टू डू. तो अगर आपको वो नहीं पसंद है, देन इन दैट केस यू हैव टू अवॉइड इट. हाउएवर, अगर आप पार्टीज पे जा रहे हैं, इवेंट्स पे जा रहे हैं, कुछ घंटों के लिए यूज़ करना है, देन दिस इज़ अ ग्रेट हेयर वैक्स. नेक्स्ट वैक्स इज द वन दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड दैट इज़ वन मेजर रीजन ये ऑलमोस्ट खाली भी हो चुका है. दिस वन इज फ्लेक्स वैक्स बाय ओसिस. एज यू कैन क्लियरली सी, ये क्रीम बेस्ड है, ये क्रीम के टेक्सचर में है, तो अगेन इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. हाउएवर, यू नीड टू टेक अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ इट एंड रब इट वेल इन योर पाम्स बिफोर यू एक्चुअली अप्लाई इट ऑन योर हेयर. काफ़ी लाइट वेट हेयर वैक्स है, बट फिर भी इसका होल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसकी जो फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है. सो अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी लाइक अ चेरी ऑन टॉप. द बेस्ट पार्ट इज़ इसकी फिनिश नेचुरल है, सो दिस कैन लिटरली बी योर एवरीडे वैक्स. ओवरऑल मुझे इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती, स्पेशली बिकॉज इवन इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर हेयर स्टाइल अ लिटिल, तो इस वाले वैक्स में आपको वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. हाउएवर, अगर आपको एक्सट्रीम होल्ड चाहिए, तो इसके बाद आपको या तो हेयर स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा, और यू कैन गो फॉर द वन विच आई शोड अर्लियर.
ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आपको बहुत ही एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए हो। कई बार होता है कि सिर्फ आपको थोड़े बाल मैनेजेबल दिखाने होते हैं, थोड़े क्लीन दिखाने होते हैं, और बालों के टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपके बाल आपकी बहुत अच्छे से सुनते हो एंड दे गेट इन स्टाइल, गेट इन शेप रियल क्विक। नाउ फॉर टाइम्स लाइक दिस एंड फॉर हेयर लाइक दैट, यू कैन लिटरली गो फॉर दिस सेट विद मैट वैक्स। नाउ इसकी लुक मैट है एंड अगेन द टेक्स्चर इज़ वेरी वेरी स्मूथ एज यू कैन सी। तो इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, जिसको स्प्रेड करने का प्रोसेस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसका होल्ड काफ़ी ज़्यादा लाइट है एंड आई थिंक इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल टू मीडियम हेयर। मीडियम भी अगर आपके बहुत ज़्यादा हैवी हैं, सो इट माइट नॉट बी एबल टू होल्ड इट रियली वेल। बट येस, इफ़ यू वॉन्ट अ गुड मैट लुकिंग फिनिश और थोड़ा सा टेक्स्चर और थोड़ी सी वॉल्यूम चाहिए, देन दिस इज द वैक्स दैट यू कैन गो फॉर। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट इज कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल हेयर वैक्स है। द नेक्स्ट वन इज़ माई करंट फेवरेट विच इज़ सेबास्टियंस क्राफ्ट क्ले। नाउ ये प्रोफेशनल लेवल प्रोडक्ट है, इट इज़ ओनली यूज फॉर प्रो स्टाइलिंग। नाउ सिंस ये क्ले है, इसका टेक्स्चर जो है वो थोड़ा सा टाइट होता है एज यू कैन सी, सो यू रियली नीड टू रब इट वेल बिफोर यू एक्चुअली अप्लाई इट ऑन योर हेयर। साथ ही साथ क्योंकि ये क्ले है, ये सिर्फ आपके बालों को सेट नहीं करेगा बट उसमें वॉल्यूम भी ऐड करेगा और टेक्स्चर भी ऐड करेगा। स्पेशली जब मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट हेल्प मी अलॉट, बिकॉज उसका जो टेक्स्चर था ना मेरे बालों का, वो और ज़्यादा अच्छा लगता था ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्ले। इसका होल्ड काफ़ी अच्छा है बट फ्लेक्सिबल है, सो अगर आपको अपने बालों को मैसी रखना है, क्लीन लुक देनी है, शार्प लुक देनी है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करते रहना है पूरे दिन, दिस इज़ वन प्रोडक्ट दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। हाउएवर आई वुड रिकमेंड आप कोई सा भी प्रोडक्ट लगा लें, अपने हाथ अपने बालों से थोड़ा दूर रखिए थ्रू आउट द डे इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट अ पर्टिकुलर स्टाइल टू मेंटेन। बाल आपके स्ट्रेट हो या कर्ली हो, दिस इज़ वन प्रोडक्ट दैट यू कैन गो फॉर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके बाल पतले हैं और अगर आप बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि आप कौन सा हेयर वैक्स यूज़ करें या हेयर क्ले यूज़ करें, दिस इज़ द वन दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। क्योंकि ये क्ले है, क्योंकि ये वॉल्यूम ऐड करता है और ये मैट फिनिश है, आपके बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और उनमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैन कंपनीज मचीज़मो। नाउ आई पिक दिस वन बिकॉज इट सेज नो सल्फेट, नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन ऑयल्स, आलमंड ऑयल एंड आर्गन ऑयल एक्सेट्रा, काफ़ी अच्छी खूबियाँ बता रखी हैं और साथ ही साथ एक्स्ट्रा होल्ड। हाउएवर मेरे बालों के लिए इसमें मीडियम होल्ड था, ऑल्सो बिकॉज मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, सो फॉर एनी प्रोडक्ट टू एक्चुअली टेक गुड केयर ऑफ माई हेयर स्टाइलिंग, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टेक्स्चर की, तो इसका टेक्स्चर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, इट इज़ अ लिटिल हैवी ऑन योर हेयर। इस पार्ट इज इस बजट में भी ये आपके बालों में डिसेंट वॉल्यूम ऐड कर सकता है, और अगर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए यूजिंग दिस, तो एक बार आप जब ये वैक्स लगा लें, अच्छे से स्प्रेड कर लें अपने बालों पर, तो आप कोल्ड ब्लो ड्राइंग यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट टेक्निक टू फिक्स योर हेयर इन वन पर्टिकुलर प्लेस। बोला है कि इसमें मैट फिनिश है बट थोड़ी नेचुरल शाइन आ जाती है, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग बिकॉज उससे बाल ज़्यादा नरिश्ड लगते हैं। सो दीज वर द 5 हेयर स्टाइलिंग वैक्स दैट आई हैव यूज्ड रिसेंटली एंड आई हैव एंजॉयड यूजिंग मोस्ट ऑफ देम। अलग अलग ओकेजन के हिसाब से अलग अलग वैक्स यूज़ करता हूँ एंड आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स एंड आई कीप यू गाइज पोस्टेड ऑल्सो। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वॉन्ट all those regular updates. I hope you gained some really nice knowledge with regards to hair styling products, techniques, etc. And tell me in the comments below which one are you going to go for. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.